सुप्रभात मित्रों, मेरी हरी भरी छत पे आपका स्वागत है। मैं प्रीति पंडित गुड़गांव से। तो देखिए, हमारी छत पे फ्लावर्स और सब्जियाँ, थोड़ी सब्जियों में जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है और हमें भांति भांति के अब सब्जियाँ मिलेंगी, जिसमें बेल वाली भी हैं, मिर्ची भी है, जुकीनी भी है, टमाटर भी है। टमाटर काफ़ी दिखे मुझे अपने प्लांट्स पर, और कुछ ये बैंगन है जिनमें भी, ये भिंडी है, ये दो बैंगन में भी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई। बाकी ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है 24 इंच का, इसमें दो सब्जियां लगी हुई हैं। उस साइड करेला है और ये सारी बेल वर्गी हैं। जुकीनी में काफ़ी जल्दी ग्रोथ होती है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जुकीनी का। तो जब तक फल नहीं आ जाता तब तक हम आपको उसके बारे में अपडेट देंगे। बाकी छोटे छोटे पॉट्स थे, इसमें पॉर्चुलिका और इसमें पर्सलिन के प्लांट लगा दिए हैं गार्डनर ने, माली ने। काफ़ी सारे पॉट्स हैं जो टहनी से ही लग जाता है, ये प्लांट बहुत अच्छे फूल देता है, तो इसको आप लगा सकते हैं इजीली। ये हमारा मिर्ची का प्लांट है, इस पर पत्तियाँ देखें, पहले ही पत्तियाँ पीली पड़ गई थी, बट अब पत्तियाँ ग्रीन आ रही हैं इसके ऊपर। और ये हमारा कड़ी पत्ता कितना अच्छा शाइन कर रहा है, न्यू पत्तियाँ आ रही हैं, पी सॉफ्ट सॉफ्ट। देन ये एक तुलसी बची थी, वो उस पर पत्तियाँ काफ़ी सारी आने लग गई हैं। और ये तुलसी थी, ये सूख गई है, तो आई थिंक गार्डनर इसको हटा के नया प्लांट लगा देंगे, क्योंकि इसकी जड़ सूख गई है। और कड़ी पत्ता छोटा एक और प्लांट था, वो चल पड़ा है। बाकी मैरीगोल्ड में काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही हैं और ये बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव प्लांट है। नींबू के पास तो ज़रूर होना चाहिए गेंदा। ये देखिए टमाटर लग रहे हैं, तीन चार पौधे टमाटर के बन गए हैं। एक्स्ट्रा ग्रोथ में टमाटर की पत्तियों की हटाती रहती हूँ। ये देखिए अभी थोड़े से मेरे घर में फंक्शन शादी है, तो थोड़ा सा मैं प्लांट्स की केयर में, मतलब घर में काम बहुत है, तो मैं थोड़ा कम हो जाता है कहीं कहीं पर जाना। बाकी सारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी चल रही है। स्प्रिंग है तो फ्लावरिंग तो होनी ही है। कभी कभी इनमें बंद बनाना पील वाटर डाल देती हूँ फ्लावर्स पे, और थोड़ी थोड़ी ओवरग्रोथ को काटती रहती हूँ ताकि और बर्ड्स आ सकें। किसी भी प्लांट की ओवरग्रोथ हो रही हो तो आप उसको काटेंगे तो उसका आपको ज़्यादा हो जाए मिर्च प्लांट में ग्रोथ, तो आप उसको काटते रहें, थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करते रहें, तो उस पर बर्ड्स ज़्यादा आएंगे। इसे रोज़ की है और इसके अंदर हमने इसके वो भी देना है, इसको हमने इसके अंदर NPK का पाउडर या कोई रोज़ वाटर फट गया। देखी जो तुलसी लगाई थी तो कैमिलिया लगा दिया है, प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है कैमिलिया, तो वो लगाया है। तो आप उसके अंदर रोज़ के अंदर NPK का सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, वाटर सॉल्यूबल। और ये देखिए एक हमारा नया मनी प्लांट, और शकरगंज तो मैंने लगाई हुई है, देखते हैं उसमें पत्तियाँ वत्तियाँ कब निकलनी शुरू होती हैं। हमारा मैरीगोल्ड पूरा भर गया है फ्लावर से, तो ये हनी बीज को इन्वाइट करेगा और हमारे अदर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी अच्छा होगा, उसमें पॉलिनेशन होगी। ये देखिए अब पुदीना अच्छे से काफ़ी भर गया सारा। पिट्यूनिया है, ये मटर के उसमें से निकला है। और ये हमारा मैरीगोल्ड का देखिए कितना सुंदर फ्लावर है। बाकी हमारे ये साइड व्यू है प्लांट्स के, प्लांट्स और उसकी घर में सफ़ेदी चल रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा छत पे सामान रखा गया था, तो थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज है टेरेस। ये देखिए अब टमाटर देख रहे हैं हरे रंग के, तो टमाटर काफ़ी सारे आ रहे हैं। और मैं साथ ही साथ इनकी जो पीली पत्तियाँ हो जाती हैं, ओवर ग्रोथ वाली पत्तियाँ, उनको हटाते रहें, तभी उस पर फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, और फ्लावर्स आएंगे तो उसमें फ्रूट भी अच्छा लगेगा। प्लांट काफ़ी चारों तरफ से अपने आप को बढ़ा, उसकी ग्रोथ हो गई है, तो मैं उसकी पत्तियाँ तीन चार रोज ही हटा देती हूँ,
ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो पत्ते ना ले ले सारे, इस वजह से एक्स्ट्रा पत्तियाँ फटाते रहें और उसको ऊपर से भी पिंचिंग करते रहें। एक तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी और फिर फ्लावर्स आएंगे। तो टमाटर तो आप लगाते रहें, टमाटर ज़रूरत हमें चाहिए ही होता है। और ये जुकीनी है, कब पत्ते देखिए टहनी, उसकी कितनी लंबी लंबी टहनी हो गई है उसकी। कुछ कुछ जर्मिनेशन हो रही है उनमें, तो भी थोड़ा टाइम लगेगा इनको थोड़े बड़े होने में। ये करेला है, ये चप्पन कद्दू और शायद ककड़ी है या कुछ और प्लांट है या खीरा है। मैरीगोल्ड तो मैंने चारों तरफ उसको एक सुरक्षा कवच की तरह बना दिया है सब जगह। अब ये देखिए जी, आकर हमारा यहाँ पे एक बंदर जी आए हैं और आकर हमारे इन्होंने मटर खा लिए सारे, तो उसकी किस्मत में लिखे थे उसको मिल गए। आराम से बैठ के देखिए मटर खा रहे हैं, और मैंने चुपके से इसका वीडियो शूट कर लिया। मैंने कहा खा ले, उसकी किस्मत में था तो उसने खा लिया। ये देखिए लौकी में जर्मिनेशन, लौकी का पत्ता बड़ा होता है तो उसकी जर्मिनेशन आपको दिखा रही हूँ। बाकी ये दूसरी है, ये भी सारी बेल वर्गीय है, अभी स्टार्टअप है इनका। यहाँ भी बेल वाली है, भिंडी भी हमने, अब पिटूनियाज हटा के हम भिंडी लगा देंगे। तो ये मैं आपको अपने छत की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, ये मैंने जीरा लगाया था, अभी इसकी खुशबू जीरे जैसी नहीं है बट इसके अंदर काफ़ी सारे पत्तियाँ दिख रही हैं, देखिए आप, और उसका फ्लावर भी बन रहा है। तो मैंने इस बार सीड पॉट्स काफ़ी किए, मैंने मेथी के देखे बनते हुए, मैंने धनिया के देखे। ये शायद बंदर भी ना फ्रूट सारे ले गए अमरूद, तो कोई बात नहीं, उनकी किस्मत में था, उनकी किस्मत में उन्होंने खा लिया, तो इसकी चिंता नहीं है। लगाना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। ये अनियन सीड्स के फ्लावर हैं, तो ये देखिए, ये भी मैंने पहली बार देखे हैं फ्लावरिंग, हो सकता है इसमें से हमें सीड्स मिले। ये छोलिया है, तो ये देखिए मेरे फूलों की बहार, टेरेस गार्डन सुंदर लग रहा है फ्लावर से। रोज़ पे काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही हैं। तो मित्रों, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए, देखिए डालिया का एक प्लांट आ गया। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।